कर दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह से आप अपने डीटीएच का केबल वायर को ज्वाइंट कर सकते हैं। अभी मेरे पास ये वाला केबल वायर है, तो कई बार केबल वायर कम पड़ जाता है तो आप इस तरह से इसको ज्वाइंट करते हैं, जो कि आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इस तरह से ज्वाइंट आपको सबसे पहले क्या करना होगा, आपको यहाँ पर लेना होगा कनेक्टर और ज्वाइंटर की मदद, इसे आप वायर को ज्वाइंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको कनेक्टर और ज्वाइंटर की मदद से वायर को ज्वाइंट करके बताऊंगा। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो पे आप अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको यहाँ पर अपने कटिंग ब्लेड की मदद से यहाँ पर ये वायर है, इसको आप यहाँ से कट कर दीजिए। और कट करने के बाद आपके पास इस तरह का कनेक्टर रहेगा, जो कि वायर को आपको कनेक्टर फिक्स करना रहता है यहाँ पर, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मैंने यहाँ पर कनेक्टर फिक्स कर दिया। उसके बाद में आपको जो ज्वाइंटर है, आपको ज्वाइंटर भी इस तरह से इसको यहाँ पर फिक्स कर दीजिए। उसके बाद में दोस्तों, आपको दोनों वायर को एक साथ में ज्वाइंट करना है इस तरह से, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कैमरे पे कि मैं अभी ये वाला ज्वाइंट कर रहा हूँ। तो आप भी इस तरह से ज्वाइंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, कभी भी आपको वायर कम पड़ जाए तो डायरेक्ट ज्वाइंट नहीं करते हुए इसको इसी तरह से ज्वाइंट करें। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर इस तरह से ज्वाइंट कर दिया। इसके बाद आप इसके ऊपर टेप भी लगा सकते हैं। तो दोस्तों, कभी कम पड़े तो इस तरह से ज्वाइंट करें, आप डायरेक्ट ज्वाइंट नहीं करें, इससे आपका सेटअप बॉक्स भी खराब हो सकता है। After making the changes, click on save. If you need any